दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 जो झारखंड सरकार द्वारा नया योजना लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं उनमें पढ़ रहे छात्र को यहां पे 12,000 रुपये प्रति वर्ष सभी छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। तो इस योजना में आप कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और आसानी से आप जान सकेंगे कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई करना है और इसमें आपका जो भी योग्यता है, क्या योग्यता रखा गया है, स्टेप बाय स्टेप आप सभी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट पे आसानी से आप आ जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं इसका होम पेज आपको इस तरह से यहां पे मिल जाएगा और जो यहां पे लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं ऊपर में इस तरह का आपको लिंक मिलेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना होगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारा काम आपको मोबाइल से ही करके दिखाता हूँ तो आप मोबाइल से ही आसानी से यहाँ पे भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक पढ़े यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना होगा और इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और उस PDF को आपको पूरा पढ़ लेना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह का PDF मिलेगा जहाँ पे पूरा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस योजना का जो भी लाभ मिलने वाला है, किस तरह का आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, 12,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे लाभ दिया जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं। मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ लें। यहाँ पे आप इसमें जो भी योग्यता है, योग्यता के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन यहाँ पे योग्य हैं, जो भी यहाँ पे गैर सरकारी विद्यालय हैं, जो भी गैर सरकारी में पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया हुआ है लाभ लेने के लिए, आपको 7वीं कक्षा में 55% यहाँ पे होना चाहिए और 5% यहाँ पे छूट दिया गया है SC ST के लिए यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कॉमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई। तो चलते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक टिक लगाने वाला यहाँ पे मिल जाएगा, इस पे आप टिक लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया हुआ है तो इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे जिला जो दिया हुआ है, आपका जो भी विद्यालय है वो किस जिला में है आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, जो भी आपका ब्लॉक है आपको यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ब्लॉक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्कूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल सभी का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है तो आपका जो भी स्कूल है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट में आपका जो भी नाम यहाँ पे है आपको यहाँ पे यहीं से आपका जो भी नाम है आपको सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप इसे हटा के और यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है आप फिर से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी को यहाँ पे चेंज आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7वीं कक्षा का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जो भी आप 7वीं कक्षा में पढ़ाई किए हैं आपका यहाँ पे डिटेल उसका भरना होगा। ऊपर में जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है ये 8वीं कक्षा का यहाँ पे डिटेल है तो नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको 7वीं कक्षा का डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। तो अगर आप उसी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़े हैं तो आप सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लें। अगर आप दूसरे स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़े हैं तो वहाँ का आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके बाद यहाँ पे आप जो भी आपका 7वीं कक्षा वाला स्कूल है, जो भी आपका जिला में है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स आया था उस कक्षा में आपका कितना मार्क्स आया था तो यहाँ पे आपका 55% से ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे कुल पूर्णांक कितना था आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे प्राप्तांक आ जाएगा प्रतिशत में। तो आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप अगला स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे कॉलम है, आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो इस तरह से आपका जो भी एड्रेस है आपका सेम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सब कुछ भरने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी आपका नया फोटो है आपको नया फोटो ही यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो है यहाँ पे फटना नहीं चाहिए, आपका जो भी क्वालिटी है सही होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हैं सिग्नेचर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर है आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका 7वीं कक्षा का मार्कशीट है उसे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ये सभी आपको अपलोड यहाँ पे ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में स्टार मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ अपलोड यहाँ पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैप्चा पे आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना होगा और इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में DEO ऑफिस है वहाँ पे जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे अप्रूवल है, जब तक अप्रूवल नहीं होता है तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने का कुछ भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे केवल सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आगे का जो भी एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको यहाँ पे मैं वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।